हेलो गाइस, आप भी अगर गूगल वेब स्टोरेज बनाते हैं तो कुछ प्लगइन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अंदर से एक बहुत ही यूजफुल प्लगइन है कैचे का प्लगइन। अगर आप इस कैचे का प्लगइन डालते हो तो आपको यूजर फ्रेंडली ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके कुछ यूज़र आपके अगर वेबसाइट पे आते हैं तो उसको जो है साइट लोड होने में और आपको जो है डाटा दिखाने में बहुत ही जल्दी क्विकली आपको जो है आपकी साइट जो है आसानी से जो है ओपन हो सकती है और आपको जो है लोड टाइम जो है कम हो सकता है। इन सब में आपको एक प्लगइन रिक्वायर्ड, उस प्लगइन का नाम है लाइट स्पीड कैचे। ओके, अगर इस प्लगइन को आप जो है डाल तो आपको जो है बहुत सारा फायदा हो सकता है। इस प्लगइन के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सेटिंग मिल जाएंगे जिससे आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होने के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत सारे आपको इमेजेस भी आपको जो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपका यूजर कहाँ से भी देख रहा है, यूएसए या फिर आपका जो है इंडिया से भी देख रहा, तो उसको जो है जल्द से जल्द जो रिक्वेस्ट जाती है और उसको जो है आसानी से वेबसाइट लोड हो जाती है और उसको जल्दी से जल्दी जो आपकी साइट देखने को मिलती है। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो आपको इस प्लगइन के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है इस डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जाना है प्लगइन के अंदर और सबसे पहले ऐड न्यू कर देना है। ओके, सबसे पहले आपको ऐड न्यू करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर जाना है और यहाँ पर डाल देना है सबसे पहले आप यहाँ बता देना लाइट कैचे, लाइट स्पीड कैचे। ओके, ये जो प्लगइन है इस तरह से। ओके, जैसे आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्लगइन दिखाई देगा ये वाला लाइट स्पीड कैचे का। ओके, तो सबसे पहले आपने इसे जो है इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिव कर लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है डैशबोर्ड के अंदर। ओके, डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सेटिंग दिखाई देंगी कि आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज किया है, क्या किया है। ओके, तो यहाँ पर आपको सब यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जाना होगा जनरल के अंदर। ओके, जनरल के अंदर जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है ऑटोमेटिक अपग्रेड से जो है ऑफ ही रहने दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको डोमेन की आएगी, यहाँ पर आपने जो है क्लिक कर देना है। अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक की मिलेगी। ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पर आपने जो क्लिक करना है। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया लेकिन मेरे वेटिंग फॉर अप्रूव कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये जो है कि आएंगे और यहाँ पर आपको डाल देना होता है। ओके, तो उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो गेस्ट मोड यहाँ पर ऑफ रहने देना है, उसके बाद गेस्ट ऑप्टिमाइजर से ऑफ रहने देना है। ओके, उसके बाद नोटिफिकेशन आप ऑन भी रख सकते हो, उसके बाद सेव कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके नीचे आना है और नीचे कैचअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैचअप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग होती है, आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, आपने यहाँ पर देख लेना है। मैंने जिस तरह से किया आपने उस तरह से करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एनेबल कैचे यहाँ से ऑन कर देना है, उसके बाद कैचे लॉगिन इसे भी ऑन कर देना है, उसके बाद कैचे कमिटमेंट इसे भी ऑन कर देना है, कैचे रेसिपी इसे भी ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद कैचे लॉगिन पेज इसे ऑन कर देना, उसका कैचे फ्यूकॉन इसे भी ऑन कर देना है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जो भी सेटिंग किया आपने कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते हो TTL पे, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ से इस तरह से सेटिंग है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेटिंग आ जाती है नीचे, CDN सेटिंग। ओके, सेटिंग पे आपको क्या करना है, ये जो CDN है इसे ऑफ ही रहने देना है। ओके, और उसके बाद जो मैपिंग इसे भी ऑफ रहने देना है। ओके, तो इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। अगर आप यहाँ पर जा दो, यहाँ कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद आप नीचे आ जाते हो, ये भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ओके, आप यहाँ पर देखते हो ऐड आइकॉन या इसे ऑन कर देना है। ओके, अगर यहाँ पर जाते हो आप तो इसे जो है इसे आपने कैचे इमेज डाटा पर क्लिक कर देना है। ओके, अगर आपके इस तरह से तो आपने इसे क्लिक करते रहना है। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है चेंज होते रहे, आपके यहाँ से 100% इसे कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी इमेजेस है वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ओके, जैसे भी होते रहेंगे आप यहाँ से क्लिक करते रहना, आपको यहाँ पर 100% करना। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अभी से 0% यहाँ पर आप जो है इमेजेस लोड होती रहेगी, आप इसे करते रहना है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आना है। अगर आपके यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं करना तो आप यहाँ से जो सब ऑटो कर सकते हो, ऑन ऑन कर देना है। ओके, आप देख सकते हो
थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ से वीडियो जो है पोस्ट कर कर देख लेना कौन सी सेटिंग ऑन है और कौन सी नहीं है। ओके, तो मैंने इसे बहुत ही वेल तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है। आपको अगर समझाने में कोई दिक्कत हो या फिर मेरे से कुछ रह जाता है, यहाँ से सेटिंग देख लेना है। ओके, यहाँ से इसे भी ऑन कर देना है। यहाँ पर कैच वेब है वर्जन, इसे भी ऑन कर देना है। ओके, और इमेज ऑप्टिमाइज़ इसे भी ऑन कर देना है। ओके, नीचे आते होते इसे जो ऑफ ही रहने देना है। ओके, यहाँ नीचे आते हैं हम, यहाँ पर पेज ऑप्टिमाइजेशन में जाते हैं। पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है आपको, ये जो CSS होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आप CSS की बात करोगे तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारे CSS के फाइल्स होते हैं। ओके, उस CSS के फाइल आपको जो किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले होता है मिनीपाइड, इसे ऑन कर देना है। ओके, आपके जितने भी CSS है वो एक ही CSS आपको मिले तो इस तरह से आप जो है इसे मिनीफाई कर सकते हो। अगर आप नीचे देखते हो कंबाइन, ओके, तो इसे ऑफ रहने देना है। आपके बहुत सारी जो CSS है वो कंबाइन हो जाएंगी। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो एक ही CSS रखना है, तब यहाँ से जो है ऑफ ही रहने देना। इसके बाद US सेटिंग इसे भी ऑफ रहना है। ओके, इसके बाद USC इसे भी ऑफ रहने देना है। उसके बाद कंबाइन एक्सटर्नल इंटरनल इसे ऑन करना है। उसके बाद CSS ऑथोपेसी इसे भी ऑन रखना है। ओके, उसके बाद अब आ तो URL इसे ऑफ रहना है। उसके बाद CSS NSS लिप्स इसे भी ऑन रहना है। ओके, और जो फॉन्ट इसे डिफॉल्ट रहना है उसे सेव कर देना है। ओके, उसके बाद अगर आप आगे जाते हो GS सेटिंग में, इसे ऑफ रहने देना है या फिर इसे ऑन रहने देना है। ओके, यहाँ पर अगर आगे जाते हो HTML सेटिंग में तो इसे भी ऑन रहने देना है, इसे ऑफ रहने देना है। ओके, तो इस तरह से मीडिया की भी सेटिंग कुछ अगर आप रखते हो तो ऑन ऑफ इसे रहने देना आप इस तरह से। ओके, तो कुछ डिफॉल्ट होती है, आपने डिफॉल्ट ही रहने देना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सेटिंग होती है। ओके, उसके बाद अगर नीचे आता है डेटाबेस, ओके, डेटाबेस ये भी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इसमें आपने कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी होती है। ओके, उसके बाद कैरोसेल में देख, कैरोसेल में यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर दिखा देगा, ये भी एक्टिव और यहाँ पर भी एक्टिव आपने रहने देना है। ओके, उसके बाद इस तरह से अगर आप टूल बॉक्स पर जाते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसे डिफॉल्ट इसे रहने देना है। ओके, तो हमारी जो सेटिंग थी सबसे ज़्यादा जनरल में और कैचे में ही थी। ओके, तो जनरल में इस तरह से आपकी सेटिंग थी, मैंने बता दिया। उसके बाद अगर कैचे में जाते हो तो कुछ इस तरह से सेटिंग होती है, कैचे के अंदर ही महत्वपूर्ण सेटिंग होती है, सब यहाँ से आपने देख लेना है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आपको कुछ इस तरह से टिक कर देना है। ओके, यहाँ पर ये ऑन रन देना है। उसके बाद यहाँ पर आते हो तो कुछ इस तरह से आपको इनेबल रखना है। ओके, कुछ डिसेबल भी रखना है। ओके, इस तरह से ऑन ऑन रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर जाते हो ऑब्जेक्ट के अंदर तो कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, उसके बाद ब्राउज़र में जाते हो तो आप इसे ऑनलाइन देना, क्योंकि अगर कुछ आप देखते हो USA या फिर अगर आपका ट्रैफिक USA आ रहा हो तो वहाँ का सर्वर यूज़ होता है। ओके, लेकिन अगर आप ब्राउज़र कैच ऑन कर देते हो तो आपके जो कॉपी कर देता है आपकी वेबसाइट की, और वहाँ से भी तुरंत आपकी वेबसाइट जो है लोड होने लग जाती है। ओके, तो इसे आपने इस तरह से, अगर आप एडवांस में जाते हो तो यहाँ से इसे ऑफ ही रहने देना है और जो इंटेक्स क्लिक इसे ऑन रहने देना है। ओके, तो जैसे आपकी वेबसाइट कोई क्लिक कर देते तुरंत आपके पेज जो है ओपन हो जाता है, इसे सेव कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपने सेटिंग कर लेने कैचे की। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लगइन था कैचे का, आपने इसे इस तरह से सेटिंग आपने करनी है। ओके, अच्छा करता आपको सभी सेटिंग समझ में आ गई होगी किस तरह से करना है। ओके, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।